हांसी पुलिस ने किसान नेता विकास सीसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला हांसी पुलिस के ही एक कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस की ओर से मानहानि और विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला किसान नेता विकास सीसर के खिलाफ दर्ज किया गया है। सीसर के खिलाफ 10 नवंबर की भाषणबाजी के चलते मामला दर्ज किया गया है। विकास की ओर से अपने भाषण में 4 पुलिस कर्मचारियों के नाम लिए गए थे। विकास की ओर से कहा गया था कि हांसी की एसपी मैडम इन 4 पुलिस के कर्मचारियों के सहारे जातीय जहर घोलने का काम कर रही है। किसी साथी ने ये मेरे पास सूचना भेजी है कि इसका फोटो न उतारा जाओ, इसको ओपन में ना किया जाओ, इसलिए मैं इस पर्ची को यहां से जान दिए जला दूंगा। लेकिन गंभीर विषय यह है कि हांसी की एसपी मैडम जो इस प्रकार के कृत्य पुलिस प्रशासन के साथ करवा रही है, क्या वो कुलदीप राणा को मरवा नहीं सकती? बोल के बताओ, ऐसे अत्यारे प्रशासन को भाई कान खोल के सुन ले। पुलिस अधिकारी कोई भी हो, अगर किसी प्रकार की ऐसी घटना वो करवा रही है अपने न्याय के पद के ऊपर बैठ के, साथियों गुंडों से भी ज्यादा खतरनाक है। जब हम एसएचओ चौकी में थाने में जब हमने न्याय नहीं मिलता, हम एक बात कहा हक हम एसपी के पेश हो जावांगे, यह कंधे हो गए। हम एक बात कहा कि हम एसपी के पेश हो जावांगे। और अभी जब सूचना हमारे पास आ रही है तो आप अनुमान लगाओ कि एसपी का पेश हो कि आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मैं मेरी बात नहीं बता रहा, मेरे पास आई है गुप्त सूचना। और जिन जिन अधिकारियों के नाम ले दिए, दोबारा से मैं फिर बता दूं, ओएसआई कुलबीर सिंह है, गुलबीर ओएसआई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हांसी, कृष्ण कुमार है सीएचसी, धर्मपाल है और मनीष, ये 4 अधिकारी हैं जो एसपी मैडम ने बड़े पदों के ऊपर बैठा रखे हैं, जो जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जाति विशेष के कर्मचारियों को तंग करने का काम करे हैं। इस आंदोलन में हिंसा फलवाने के लिए मजबूर करे हैं, इस आंदोलन को तोड़वाने के लिए मजबूर करें। साथियों आप अनुमान लगा लो कितना सतर गिर गया है इस सरकार का, इस प्रशासन का। ये जितने अधिकारी जिनके नाम लिए हैं भाई, अगर कोई गलती कर दी, हो सकता है आपकी एसपी मैडम आपको माफ कर दे, हो सकता है आपका मुख्यमंत्री खट्टर आपको माफ कर दे, लेकिन चेतावनी है भाई, अगर कोई घटना आपने कर दी, ये परिवार आपको माफ नहीं करेगा, कदे किसी अफसर पड़ेगा सर चक्कर में घूमी जाओ। सिटी थाना प्रभारी विकास कुमार ने कहा, सिपाही मनीष कुमार की शिकायत पर विकास सीसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सर कल एक हमने एफआईआर दर्ज की है विकास सीसर के खिलाफ। विकास सीसर ने मंच के माध्यम से पुलिस विभाग के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज की है, जो पुलिस विभाग की कार्यशैली में धर्म व जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। विकास सीसर नाम के व्यक्ति ने मंच के माध्यम से भाषण के द्वारा एक आपत्तिजनक टिप्पणी पुलिस विभाग के खिलाफ की थी, जो विभाग में जातीय और धार्मिक भेदभाव और पुलिस की छवि को धूमिल कर रही थी, जिस पर शिकायत मिलने पर हमने विकास सीसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये शिकायत पुलिस विभाग के द्वारा ही दी गई थी एक मुलाजिम की तरफ से। किन किन धाराओं में सर कुछ मामला? यह धारा 500, 502, 505 की पार्ट 2 के, उसमें कोई भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ रूमर फैलाने या कोई अफवाह फैलाने के खिलाफ होती है, उसमें की गई है।